एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है और इसका पेपर कोड था 100502, है ना। तो इस पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 9 क्वेश्चन है, एज यूजुअली 9 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 9 आपको किन्हीं 5 के आंसर देना होता है। इन 5 क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन 1 होता है वो कंपलसरी होता है और ये क्वेश्चन आइदर एमसीक्यू होता है और शॉर्ट आंसर टाइप होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 सब क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 10 सब क्वेश्चंस आपको किन्हीं 7 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो इट्स अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, है ना। तो सारा क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। दो दो मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होगा या फिर शॉर्ट आंसर टाइप होगा। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें 10 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 10 आपको 7 का आंसर देना होता है एग्जाम में। फिलहाल हम लोग 10 का 10 डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए ले रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, देन विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। डिफाइन ट्रैकिंग कंट्रोल यूजिंग एन एग्जांपल। आपको ट्रैकिंग कंट्रोल को डिफाइन करना है यूजिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से ट्रैकिंग कंट्रोल को डिफाइन करना है। व्हाट इज ट्रैकिंग कंट्रोल? मान के चलो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है। अगर तूने उसमें एक रेफरेंस इनपुट दिया, अपने कोई सेट पॉइंट इनपुट दिया, जिसको आप डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हो, अगर वो सिस्टम उस सेट पॉइंट को ट्रैक कर रहा है, या फिर आपके डिजायर्ड इनपुट जो आपने डिजायर्ड आउटपुट दिया है उसको ट्रैक कर रहा है, या फिर रेफरेंस इनपुट दिया है उसको ट्रैक कर रहा है, और अगर कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने जो रेफरेंस दिया है जिसको आप डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हो, अगर उसको ट्रैक कर रहा है या फिर जो आपके डिस्टरबेंस आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर रहा है, तो उस सिस्टम को हम लोग ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ट्रैकिंग कंट्रोल सिस्टम इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। ट्रैकिंग कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक अ गिवन रेफरेंस। गिवन रेफरेंस को ट्रैक करेगा एंड और टू रिजेक्ट अ गिवन डिस्टरबेंस सिग्नल। तो अगर डिस्टरबेंस दोगे तो उसको रिजेक्ट करने का काबिलियत रखता है। अगर आप उसको रेफरेंस देंगे जिसको आप डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हैं, देन इट विल ट्राई टू ट्रैक इट, देन इट्स कॉल्ड ट्रैकिंग कंट्रोल। आई होप कि समझ में आया। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल आपको लिखना है। द डायनामिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। इंडस्ट्रियल ड्राइव्स क्या होता है? जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े मोटर्स जनरेटर्स यूज किए जाते हैं, स्पेशली मोटर्स जो यूज किए जाते हैं उनको ट्रैक करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ड्राइव ट्रैकिंग, है ना। और उस टाइप के कंट्रोल को हम लोग डायनामिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव कहते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रैकिंग कंट्रोल, राइट। एक बार वीडियो पॉज करिए, इसे कॉपी करिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1B। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। डिफाइन ट्रांसफर फंक्शन एंड रिलेट इंपल्स रिस्पॉन्स विद ट्रांसफर फंक्शन। आपको क्या करना है? ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना है और इसको इंपल्स रिस्पॉन्स से रिलेट भी करना है। फर्स्ट डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ऑफ एन LTI सिस्टम विथ इनिशियल कंडीशन 0। इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज द रिटन ओवर हियर? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फॉर LTI सिस्टम विथ इनिशियल कंडीशन R0। क्लियर है ये चीज? तो ये बात हमें समझ में आया। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखने चाहो तो इस तरह आसानी से लिख सकते हो, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस बाई वी आई ऑफ एस, यानी कि आउटपुट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन इज 0, तो इसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसफर फंक्शन। नाउ अब इसमें एक पार्ट और बोला है कि आप रिलेट करिए इंपल्स रिस्पांस को और ट्रांसफर फंक्शन को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपल्स रिस्पांस एंड ट्रांसफर फंक्शन? द इंपल्स रिस्पांस किसके बराबर होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द इंपल्स रिस्पांस एंड ट्रांसफर फंक्शन। जो इंपल्स रिस्पांस होता है इट इज द लैपलास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो जो भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन ये इस डोमेन में मिलता है, जो इंपल्स रिस्पांस होता है ना वो लैपलास ट्रांसफॉर्म का
इनवर्स लैपलास होता है, तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका इनवर्स लैपलास कर दीजिए, यू आर गेट यू विल गेट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक बार वीडियो पॉज करिए, इसे लिखिए। Let us take the next question. It is question number 1C. I am reading the question. Define underdamped, overdamped and critically damped system. आपको क्या define करना है? What is overdamped? What is underdamped? What is critically damped? तो पहले लेते हैं underdamped. Underdamped क्या होता है system? वो system जिसकी response oscillate तो करे, response oscillate तो करे, but उस oscillation की frequency नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो, पहली बात ये, और दूसरी बात उसका जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम हो और डिके हो, कम होना मतलब डिके होना, डिके हो, धीरे धीरे डिके हो, कहां इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, देन दैट इज कॉल्ड अंडरडैम सिस्टम। और मैथमेटिकली इसको बोले तो वो सिस्टम जिसमें डैम्पिंग रेशियो जीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है उसको बोलते हैं अंडरडैम सिस्टम, है ना। वही यहां पे लिखा हुआ है, द सिस्टम हुज रिस्पॉन्स ऑक्सिलेट एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कंपेयर में कम फ्रीक्वेंसी पर ऑक्सिलेट करे, जो होता है उसको डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी पर ऑक्सिलेट करे, एंड विथ द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिकेइंग टू जीरो। तो जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो, कहां गए, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हो और सेटल हो किस पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और यू बोले तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जाए। नाउ अब क्या कह रहा है, इट हैज द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसको डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं जीटा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, इट इज कॉल्ड द अंडरडैम सिस्टम। व्हाट इज ओवरडैम सिस्टम, द सिस्टम हुज रिस्पॉन्स डिके एक्सपोनेंशियली, जिसका रिस्पॉन्स जो है एक्सपोनेंशियली कम हो, एक्सपोनेंशियली कम हो, एक्सपोनेंशियली कम हो और किसको जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेटअप करें। ये कब होता है, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरडैम सिस्टम। द सिस्टम हुज रिस्पांस एक्सपोनेंशियली डिके टू इक्विलिब्रियम पॉइंट विदाउट ऑक्सीलेशन, यहां पे ऑक्सीलेशन नहीं होता, इसमें ऑक्सीलेशन होता है बट उस ऑक्सीलेशन का फ्रीक्वेंसी कम होता है, यहां ऑक्सीलेशन नहीं होता। इट हैव द डैम्पिंग रेशियो जीटा ग्रेटर देन 1, तो जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। फाइनली वी हैव अ क्रिटिकली डैम्प्ड, तो इन दोनों के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प। तो वो क्या होता है, जीटा की वैल्यू जब 1 होगी इट्स कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड, अगर उससे कम होगी तो अंडर डैम्प्ड, ऊपर होगी तो ओवर डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, इसका भी रिस्पॉन्स नियर टू दिस होता है बट इसके कंपेयर में फास्ट होता है, देखने में दोनों सेम दिखते हैं बट जो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है वो फास्ट होता है, एज क्विक एज पॉसिबल, ये सबसे फास्ट सिस्टम होता है। तो चलिए, द सिस्टम हुज रिस्पॉन्स रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीलेशन। तो देखो दो चीजें, ऑक्सीलेशन भी नहीं होना है और फास्ट भी जाना है, दोनों चीज को कंपेयर करना है। हालांकि अगर रिस्पॉन्स देखोगे तो सबसे जो फास्ट पहुंचेगा वन को वो ये पहुंचेगा, लेकिन इसमें ना ऑक्सीलेशन होगा, इस वाले में देर इज नो ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन भी नहीं होगा और ये फास्ट भी जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड। जीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा हुआ ऑलरेडी, द सिस्टम हुज रिस्पॉन्स रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीलेशन, इट हैज द डैम्पिंग रेशियो जीटा इक्वल टू 1। एक बार वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1D। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। आपको सेंसिटिविटी फाइंड करना है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। एक ये छोटा सा डेरिवेशन है, लेट सी, हमारे पास जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है जिसको CLTF बोलते हो, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, इसी को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं CLTF, वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू GFS डिवाइड बाई 1 प्लस GFS HFS। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, CLTF इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जिसको आप यहां पे GFS बोलोगे, ये क्या होगा, GFS के बराबर होगा, जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको बोलते हैं GFS। आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन
विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, ये बोल रहा है निकालने के लिए। फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, ऐसे लिखा जाता है, ये सेंसिटिविटी का साइन है। दिस इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस बाय सीएलटीएफ, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जीएस मल्टीप्लाई बाय जीएस अपॉन सीएलटीएफ, तो ये हमें ड्राइव करके देना है ना। तो चलो हमें सीएलटीएफ पता है, तो पहले ये वाला पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जीएस वो कितना हो जाएगा पहले देखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जीएस इक्वल टू, चलो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जीएस, तो पहले एक बार लिख लेते हैं, दिस इंटू जीएस डिवाइड बाई वन प्लस जीएस एच एस, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जीएस, है ना। दिस वन दिस ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, ये कितने का बराबर होगा अब समझते हैं। देखो इसमें दो टर्म है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में जीएस है और जीएस के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा यू बाई भी का फॉर्म लगाओगे तो क्या लिखोगे, अगर ऊपर यू है नीचे भी है तो भी को रखते हैं तो क्या हो जाएगा वन प्लस जीएस एच एस को पहले रखोगे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे न्यूमिनेटर का, तो कितना हो जाएगा वन, है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन माइनस न्यूमिनेटर वाले को रखोगे यानी कि जीएस को रखोगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन बिकम जीरो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो जीएस इसमें है तो बच जाएगा एच एस, तो खाली क्या बच जाएगा आपका एच ऑफ एस डिवाइड बाई नीचे वाला का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है वन प्लस जीएस इंटू एच एस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल जाएगा हमको सेंसिटिविटी ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जीएस, ये कितना मिलेगा इट इज जस्ट कमिंग एज, ये करोगे मल्टीप्लाई तो ये जीएस और ये माइनस जीएस एच एस और ये माइनस जीएस एच एस गेट कैंसल्ड, ये और ये गेट कैंसल हो जाएंगे, यू विल गेटिंग एज वन अपॉन वन प्लस जीएस एच एस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अभी डिफरेंशिएशन निकाला है, नाउ जस्ट यू हैव टू फाइंड द सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, तो सेंसिटिविटी ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जीएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर, हमने ये पार्ट निकाल लिया है और वो कितना है वन अपॉन वन प्लस जीएस इंटू एच एस, ये हो गया वन अपॉन वन प्लस जीएस इंटू एच एस इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर या होल स्क्वायर, तो ये पार्ट हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई बाई जीएस, तो मल्टीप्लाई बाई जीएस, ठीक है, डिवाइड बाई सीएलटीएफ, तो सीएलटीएफ कितना है जीएस अपॉन्ट वन प्लस जीएस एच एस, जब डिवाइड करोगे तो जीएस हो जाएगा नीचे और ये पूरा टर्म उठ के चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा बाबू जी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है ये वाला। अब देखो यहां पे स्क्वायर वाला जो पार्ट है इससे ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये जीएस और जीएस कैंसिल हो जाएंगे, देन व्हाट वी आर गेटिंग एज वन अपॉन वन प्लस जीएस इंटू एच एस, इसलिए जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा जस्ट आई राइट हियर, जो फाइनल आंसर मिलेगा यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ सीएलटीएफ विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, तो ये हमें फाइंड करके देना था। तो सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ऑफ फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन इट इज सी एल टी एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी एस, ये कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस। एक बार वीडियो पॉज करके इन्हें कॉपी करेंगे। Let us take the next question, that is question number 1E. I am reading the question. Define and find the slope of Bode plot in the case of complex poles. So, सबसे पहले Bode plot को define करना है and then आपको find करना है कि slope of Bode plot in case of complex pole. The complex pole के case में आपको slope find करना है Bode plot का, ठीक है ना, एक छोटा सा डेरिवेशन भी करना है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज बोडे प्लॉट, इट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज द जे ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इन डीबी एंड फेज ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा इन एंड एच ऑफ जे ओमेगा इन डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन लॉगरिथमिक स्केल लॉग ओमेगा बेस 10। इसका मतलब क्या हुआ
इसमें दो प्लॉट होते हैं, एक प्लॉट किसका होता है जिसको मैग्नीट्यूड प्लॉट कहते हो, तो किसका होता है इसका मैग्नीट्यूड उसमें किसमें डीबी में, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन डेसिबल डीबी में, डेसिबल में, एंड दूसरा जो प्लॉट होता है जिसको फेज प्लॉट कहते हो वो होता है फेज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन डिग्री में, और इन सबको किस किस में प्लॉट करना होता है एक लॉगरिथमिक स्केल पर जो कि लॉग ओमेगा बेस 10 है, लॉग बेस 10 पे आपको प्लॉट करना होता है, इसको बोलते हैं बोडे प्लॉट। बस ये बोल क्या रहा है, आपको स्लोप निकालना है किसका, उस कॉम्प्लेक्स पोल वाले फैक्टर का। तो जो आप फैक्टर लेते हो वो क्या दिया हुआ है, लेट्स सी द फैक्टर, फैक्टर इज एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास फैक्टर है और इसका पावर कितना है माइनस वन, या फिर यू बोले तो वन अपॉन्ड है ये, या यू बोले तो वन अपॉन्ड है, यही फैक्टर है जो कॉम्प्लेक्स पोल देगा, या तो वन अपॉन्ड बोल दो तो पोल हो जाएगा, या फिर इसका पावर ले लो माइनस वन तब भी क्या होगा सेम चीज हो जाएगा। इट इज द कॉम्प्लेक्स पोल, इट्स रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स पोल जहां पे जीटा की वैल्यू लेस देन वन है एंड ग्रेटर देन जीरो। नाउ इसको आपको कन्वर्ट करना है, ये जो फैक्टर है इसको हम एफ ऑफ एस बोल देते हैं, जो फैक्टर है फैक्टर इज एफ ऑफ एस, है ना, दिस इंप्लाइज यहां पर लिख देते हैं एक बार, फैक्टर एफ ऑफ एस इक्वल टू, तो ये फैक्टर ले लिया हम, तो एफ ऑफ जे ओमेगा कितना हो जाएगा, तो जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए, जस्ट बिकम इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, जे ओमेगा पुट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टाइम टू जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा, ये जो ओमेगा पुट कर दिया हमने एस का वैल्यू, प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर टू द होल पावर माइनस वन, ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल के आएगा। अब हमको इसका फैक्टर निकालना है, तो काम करते हैं इस पूरे इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करोगे तभी जाकर पोल मिलेगा ना, कॉम्प्लेक्स पोल कब मिलेगा, दिस इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो करोगे तभी जाकर कॉम्प्लेक्स पोल मिलेगा, दिस इक्वल टू जीरो, कॉम्प्लेक्स पोल बराबर दिस इक्वल टू जीरो, तब जाकर आपको कॉम्प्लेक्स पोल मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी काम करो, ओमेगा की वैल्यू ने यहां से कॉमन कर दो, यू जस्ट कॉमन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू को आप कॉमन कर दो एंड आप इक्वेट कर दो यहां जीरो से, है ना, तो ओमेगा एन स्क्वायर जब कॉमन करोगे व्हाट यू आर गेटिंग एस, तो उधर जाके जीरो ही हो जाने वाला है, आपको क्या मिल जाएगा यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम, इट इज जस्ट बिकमिंग एस ओमेगा, यहां पे कॉमन क्या करना था हमें ओमेगा एन स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, ये ओमेगा एन की स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा वन, इट जस्ट बिकम वन प्लस, ये उल्टा लिख रहा है, ये वाला पहले हो जाएगा, इट इज द वन, यहां से ओमेगा एन का स्क्वायर आपने कॉमन किया है, आई एम रिपीटिंग, आपने क्या कॉमन किया ओमेगा एन का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा एन, ये हो जाएगा प्लस जे टाइम टू जीटा ओमेगा अपॉन्ड ओमेगा एन, तो दूसरा फैक्टर ये मिल जाएगा आपको, एंड जो पहला फैक्टर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, माइनस ओमेगा अपॉन्ड ओमेगा एन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ये हमारा फैक्टर मिल गया जो कॉम्प्लेक्स पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब देखो आपको क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना है, बोर्ड प्लॉट का स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, देन वी आर गेटिंग द स्लोप, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि आप गेन लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा कितना हो जाएगा, दैट्स बिकम इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हो, ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दैट इज द रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल क्या है एक भी है और ये भी टर्म रियल है, एक ये पूरा टर्म रियल है, वन माइनस दिस बाई दिस का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर इट इज द अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, मतलब वन प्लस ओमेगा अपॉन्ड ओमेगा एन, वन प्लस नहीं सॉरी वन माइनस ओमेगा अपॉन्ड ओमेगा एन का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, इसका होल स्क्वायर यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टू जीटा ओमेगा अपॉन्ड ओमेगा एन का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड रियल का स्क्वायर, रियल कितना है ये वाला पार्ट है रियल, इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है ये बोला, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। नाउ अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इन डेसिबल, डेसिबल का मतलब क्या होता है 20 लॉग, है ना, मैग्नीट्यूड किसमें होना चाहिए डेसिबल में, तो 20 लॉग ये वाला मैग्नीट्यूड आपको पुट करना है, तो कितना हो जाएगा जब 20 लॉग पुट करोगे तो अंडर रूट, ये जस्ट उठा के पुट कर दो यहां पे, 1 माइनस
ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मतलब टू जीटा इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन मिल के आ रहा है मैग्नीट्यूड इन डीबी। हमको इसका स्लोप निकालना था, है ना, हमें क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट इनिशियल पार्ट एंड देन फाइनल पार्ट। तो एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो क्योंकि ये वाला पार्ट हमें रिमूव करना है। नाउ इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या लेना है, दो पार्ट लेना है। तो लेट अस कंसीडर केस वन। केस वन स्लोप निकालने के लिए पहला केस लेना है। तो पहला केस ये है, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू एक से छोटा है, तो पहला केस क्या लेते हैं, पहला केस है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू लेस देन वन है, है ना, लेस देन वन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ओमेगा का वैल्यू लेस देन ओमेगा एन है। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा का वैल्यू लेस देन ओमेगा एन है, यानी कि जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तब, ओमेगा की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तब, तब क्या हो जाएगा, अगर ये ओमेगा की वैल्यू लेस देन वन होगा तो बाय डिफॉल्ट आप ये भी लिख सकते हैं देन देन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर ये तो बहुत ही छोटा होगा वन से। अगर ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन एक से छोटा है, मतलब मान लो 0.5 है, उसका स्क्वायर कितना करोगे, 0.025 हो जाएगा ये, तो वो और भी छोटा होता है। इसलिए जब एक से छोटा वैल्यू का स्क्वायर ना एक से छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। नाउ यू जस्ट पुट दिस वन इन दिस इक्वेशन, आप जैसे ही इसको यहां पे इस इक्वेशन में पुट करिए, देन व्हाट वी आर गेटिंग एज, देन आपको क्या मिलेगा, जस्ट सी दिस इंप्लाइज। चलिए तो ये जो वैल्यू है यहां पे आप वन हटाएंगे, ध्यान देना हम एक लाइन में लिख देंगे, ये जो वैल्यू है यहां पे ये बहुत छोटा है, ये कैंसिल हो गया, ये हट गया यहां से, है ना, ये माइनस साइन लगा हुआ था तो ये वैल्यू हट गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, वन, वन का स्क्वायर मतलब वन बचा। अब इस वन में तुम ये पार्ट ऐड करोगे, जीटा की वैल्यू क्या होती है, ये ऑलवेज एक से कम होती है, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी एक से कम था, ये बहुत ही छोटा था एक से, और ये वैल्यू एक से कम होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, अगर जीटा की वैल्यू अगर 0.5 भी ले लें, 0.5 भी ले लें एक अच्छा वैल्यू है, तब ये वैल्यू कितना होगा, वन होगा, ये पूरा बिहेव करेगा वन, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, और ये वैल्यू एक से छोटा होगा, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आएगा रूट वन आएगा, ये इसके कंपेयर में हट जाएगा, एंड ये भी छोटा है इसके कंपेयर में हट जाएगा, वन के कंपेयर में ये कितना आएगा, रूट वन, रूट वन का वैल्यू कितना होता है वन, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 20 log√1 और ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, जीरो डीबी। यानी कि अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा एन होगी, ओमेगा की वैल्यू लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्लोप कितना होगा, जीरो डीबी पर डिकेट। अब दूसरा पार्ट लेते हैं इसी का, यानी कि जीरो डीबी पर डिकेट। दूसरा पार्ट में क्या होगा, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू एक से बड़ी हो, केस टू लेते हैं, केस सेकंड, इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, इसका मतलब यह होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू एक से बड़ा होना, इसका मतलब यह होता है कि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा से बड़ा है, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा से बड़ा है, एंड एक चीज और आप लिख सकते हो कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर बहुत बड़ा है वन से, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर बहुत बड़ा है वन से। अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन एक से बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर भी ना बहुत बड़ा होगा एक से, ठीक है, मतलब इसके स्क्वायर। नाउ जस्ट अप्लाई दिस टू दिस इक्वेशन, आपको अप्लाई करना है, देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है। देन जो मैग्नीट्यूड था ये, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, एफ ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड इन डीबी, इसका स्लोप कितना हो गया, जीरो डीबी पर डिकेट। नाउ यहां पे आते हैं इस वाले पार्ट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा किसमें, डेसिबल में, इक्वल टू, चलो पुट करते हैं यहां पे, ये वैल्यू एक से बहुत बड़ा है, आई एम रिपीटिंग, ये वैल्यू एक से बहुत बड़ा है, तो एक यहां से नेग्लेक्ट हो गया, ये एक यहां से निकलेट हो गया, यहां माइनस वन लगा हुआ है, माइनस वन का स्क्वायर ये पूरा का पावर हो जाएगा फोर, माइनस माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर का हुआ है तो इसका पावर हो जाएगा फोर। अब ये हो जाएगा पावर में फोर, अब एक बात बताओ, इसका पावर में फोर है
और यहाँ क्या है पावर में स्क्वायर है, तो बाई डिफॉल्ट ये बड़ा होगा, यानी कि ये निगलेक्ट हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है। याद रखना जो बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है इट इज द अप्रोक्सीमेटेड प्लॉट, नॉट द एग्जैक्ट प्लॉट। तो ना ये जीरो के अप्रोक्सीमेटेड होगा, इट इज नॉट एग्जैक्ट प्लॉट। नाउ क्या करोगे तुम यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू पुट करोगे, ओमेगा पॉइंट ओमेगा एन की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये वैल्यू ना बहुत बड़ा होगा, किसके कंपेयर में, वन के कंपेयर में। इसका पावर क्या है स्क्वायर, और इसका पावर क्या है स्क्वायर, फोर। इसका पावर हो जाएगा टोटल फोर, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, छोटा हो जाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका पावर फोर है। तो मान लो पांच का पावर चार, तो पांच इंटू पांच इंटू पांच इंटू पांच, और ये हो गया पांच, तो कितना हो गया पांच इंटू पांच, तो पच्चीस है, और एक पच्चीस का स्क्वायर है यानी कि 625 है, तो 25 और 625 में तुम अंतर समझ रहे हो, तो ये वैल्यू ना नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गेटिंग एज 20 log अंडर रूट, 20 log अंडर रूट। ये वैल्यू कैंसिल हो गया है, ये वैल्यू कैंसिल हो गया है, इसका पावर कितना हो गया 4, यानी कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन टू द पावर 4, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन टू द पावर 4। यहां रूट लगा हुआ है तो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, रूट को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इट्स जस्ट बिकम इक्वल टू, ये स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा स्क्वायर को आप इधर ला सकते हो तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि दिस बिकम इक्वल टू 40 log 40, ये स्क्वायर हो जाएगा और बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 2 इज द 40 log ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, है ना। यानी कि इसका स्लोप कितना है 40 dB/d, इसका स्लोप कितना है 40 dB/d, इसलिए इसलिए स्लोप इज 40, और 40 क्या ये माइनस में। अच्छा एक चीज आपको बताना हम भूल गए, क्या यहाँ पे है, इसका ओवरऑल पावर कितना था -1, आई एम रिपीटिंग, ओवरऑल पावर कितना था -1, इस सबका जो पावर था ओवरऑल वो पावर कितना था -1, यहाँ पे लिखना भूल गए। तो ये मैग्नीट्यूड तो हमने लिखा है, इस पूरे का पावर है बेटा -1, जस्ट यू टू राइट ओवर -1 ओवर हियर, यहाँ पे ना इस पूरे का पावर है -1, तो जैसे ये -1 आएगा ये -20 हो जाएगा, इट्स नॉट +20 एक्चुअली, इट्स जस्ट बिकम -20, क्योंकि ये पूरे का पावर क्या है -1 है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो जैसे ये बाहर लेके आओगे इट्स बिकम -20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे -20 भी लगाओगे इट इज जस्ट -0 और 0 में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है। बट यहाँ देयर विल बी प्रॉब्लम कि अगर यहाँ पे -20 आ रहा है तो ये हो गया -20, नॉट +20, इट इज द -20। अगर ये -20 होगा तो कितना डीबी पर टिकट, -40 dB/d, तो स्लोप कितना हो जाएगा, इसलिए जो स्लोप इज -40 dB/d, ठीक है। तो दैट इज द ड्राइवेशन ऑफ दिस बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करेंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1F. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। हमें क्या निकालना है, सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। यानी कि लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होता है आपको निकालना क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ CLTF, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंसिटिविटी ऑफ CLTF विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, CLTF एंड एच ऑफ एस, एच ऑफ एस तो पता है, CLTF निकालना पड़ेगा। लेट्स सी ये वैल्यू कितना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ CLTF with respect to partial differentiation of h of s by h of s divided by CLTF. It is the formula of the sensitivity of overall transfer function, जिसको closed loop transfer function भी बोलते हो, with respect to h of s. अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, overall transfer function, जो overall transfer function, overall transfer फंक्शन जिसको आप CLTF बोल रहे हो इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है GS अपॉन 1 प्लस GS इनटू HS। ये सिंपल सा फॉर्मूला है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। आपको इसका सेंसिटिविटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू HS, आपको ये पता है ये क्या होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ CLTF विद रिस्पेक्ट टू HS इनटू HS बाय CLTF। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ CLTF विथ रिस्पेक्ट टू HS निकालना पड़ेगा, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ GS अपॉन 1 प्लस GSHS GSHS डिवाइड बाय HFS। तो ये हमें निकालना है,
ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम इक्वल टू, हमें करना क्या पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट बाय हेल्प ऑफ चैन रूल। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पावर ऑफ माइनस वन, ये जीएस को बाहर कर दो क्योंकि ऊपर एचएस नहीं है, तो जीएस को बाहर कर दो, ये कितना हो जाएगा वन प्लस जीएस एचएस का पावर वन, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, जीएस बाहर कर देते हैं, जीएस कर दिए बाहर, डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो माइनस वन है इसका पावर, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट बिकम माइनस वन माइनस इंटू जीएस इंटू ऊपर लगा दो चैन रूल, है ना। तो माइनस करोगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो डिवाइड बाई में क्या चला जाएगा वन प्लस जीएस एच एस का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर चला जाएगा डिवाइड में। अब चैन रूल लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एच एस, तो जीरो हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा जीएस, कितना हो जाएगा बेटा जीएस का स्क्वायर, ये बन के आएगा तुम्हारा, है ना। तो चैन रूल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा जस्ट बिकम इक्वल टू माइनस जीएस स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस जीएस इंटू एच एस का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, देन जस्ट कम टू द सेंसिटिविटी पार्ट। तो सी एल टी एफ विथ रिस्पेक्ट टू एच एस अगर आपको निकालना है तो पहले ये ले लो फर्स्ट वाला पार्ट जो कि डेल्टा यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सी एल टी एफ विथ रिस्पेक्ट टू एच एस था, वो कितना था, वो माइनस जीएस का स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस जीएस इंटू एच एस, तो ये वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई बाई एच एस डिवाइड बाई सी एल टी एफ। तो सी एल टी एफ में क्या है, सी एल टी एफ इज इक्वल टू दिस वन, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जी एफ एस और ऊपर क्या हो जाएगा वन प्लस जीएस एच एस, है ना, वन प्लस जीएस इंटू एच एस। यहां से आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहां पे वैल्यू है ये जी एस एच एस है, इसका स्क्वायर है, नॉट जी एस एच एस, यहां पे स्क्वायर है, जिस इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ऊपर क्या बच जाएगा माइनस ऑफ जी एस एच एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ एच एस इक्वल टू माइनस ऑफ जी एस एच एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू मिलके आएगा किसका, सी एल टी एफ का विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन। एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 1G। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एक्सप्लेन अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड नेम टू मेथड फॉर इच। आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बताना है और अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताना है, देन आपको क्या करना है, उनके दो दो मेथड्स भी बताने हैं उन स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो पहले लेते हैं व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी, इट इज द स्टेबिलिटी अमंग स्टेबल सिस्टम्स, यानी कि ये जो स्टेबिलिटी है वो दो स्टेबल सिस्टम बीच का स्टेबिलिटी का एनालिसिस है। कुछ समझ में नहीं आया, बोले आगे देख लो फिर आपको समझ में आएगा। इट इज यूज इन रिलेशन टू कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी। अब बात समझिए, यहां पे दो पार्ट है, एक है रिलेटिव स्टेबिलिटी, दूसरा है अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो पहले पूरा ये डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मेथड, दैट इज द फेज मार्जिन एंड गेज मार्जिन, आपको मेथड्स हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने के। व्हाट इज अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, इट इज रेफर टू अ कंडीशन वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। इट इज यूज इन रिलेशन टू क्वालिटी क्वांटिटिव द क्वालिटिव एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव, इसमें दोनों में अंतर है हमें ये समझना है, एंड मेथड राउथ हर्बिट्स एंड नाइक्विस्ट प्लॉट्स। देखो बात समझोगे, हमारे पास एक सिस्टम है, ध्यान देना एक लाइन में समझ में आ जाएगा, हमारे पास एक सिस्टम है, वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। रिपीटिंग, एक सिस्टम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, यस और नो, यानी कि इट इज अ रेफर द कंडीशन वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, इट इज कॉल्ड अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। अब ये क्या है, ये आपका क्वालिटिव है कि वो सिस्टम का क्वालिटी क्या है, क्वालिटिव मतलब वो सिस्टम स्टेबल है तो एक अलग क्वालिटी है, अनस्टेबल है दूसरी क्वालिटी है। तो ये कौन सी एनालिसिस हुई, इट इज अ क्वालिटिव एनालिसिस। तो जो अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है इट इज एक्चुअली क्वालिटिव एनालिसिस, है ना, इट इज यूज इन रिलेशन टू क्वालिटिव एनालिसिस ऑफ सिस्टम। तो जब भी आपको क्वालिटिव स्टेबिलिटी क्वालिटिव एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी करना हो या क्वालिटिव
क्वालिटी एनालिसिस ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी करना हो तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, मतलब वो है कि नहीं। अब एक बात समझो, मान लो हमारे पास ये सिस्टम है और ये सिस्टम है, दो सिस्टम है ए एंड बी, ये दोनों सिस्टम स्टेबल है, हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी से पता चला ये दोनों स्टेबल है। अब इनके बीच में पता करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि इट इज द स्टेबिलिटी अमोंग द स्टेबल सिस्टम्स। तो दो जो स्टेबल सिस्टम है उनके बीच की स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव स्टेबिलिटी। इट इज द यूज इन रिलेशन टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो जो क्वांटिटिव है कौन ज्यादा है कौन कम है, ये क्वांटिटिव एनालिसिस कौन देता है, रिलेटिव एनालिसिस रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्वालिटिव एनालिसिस कौन देता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, इट इज द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। Let's take the next question. It is question number 1I. I'm reading the question. What is a state transition matrix? Explain its significance. State transition matrix kya hota hai? Aur iska significant explain kare. State transition matrix, it is the completely defines the transition of a state from the initial time t equal to 0 to any time t by initial condition only. मीनिंग क्या है, व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये वो मैट्रिक्स है जो डिफाइन करता है ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, स्टेट के ट्रांजिशन को कहां से t इक्वल टू 0 से, इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं, इनिशियल वैल्यू से किसी भी टाइम t पे, है ना, बाय कंसीडरिंग इनिशियल कंडीशन ओनली। तो खाली इनिशियल कंडीशन को जान के और देख के और उसके रिस्पेक्ट में ये स्टेट के ट्रांजिशन को
डिफाइन करता है विदाउट एनी इनपुट। कहने का मतलब क्या है, विदाउट बिना इनपुट के केवल स्टेट के इनिशियल कंडीशन पे स्टेट का ट्रांजिशन बताए, दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, नीचे लिखा हुआ है, इट्स गवर्न द रिस्पॉन्स दैट इज एक्साइटेड बाई इनिशियल कंडीशन ओनली। ये वो रिस्पॉन्स दिखाता है जिस जो किसके चलते आता है, खाली इनिशियल कंडीशन के चलते आता है। दैट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। Let us take the last question of question number one, यानी कि last sub question of question number one, that is define phase plane techniques। Phase plane technique क्या होता है, इसको define करना है। तो the phase plane technique जो है actually ये non-linear control system में use किया जाता है to find the existence of limit cycle। तो limit cycle के existence को पता करने के लिए ये technique use किया जाता है। ये होता क्या है, ये ग्राफ होता है ना, ये ग्राफिकल टेक्निक होता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। वो ग्राफ फेज प्लेन में ड्रॉ किया जाता है और हर एक इनिशियल कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ मिलता है और उनको देख के हम फेज प्लेन की एनालिसिस को देख के हम ये पता करते हैं कि सिस्टम में लिमिट साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं, द फेज प्लेन टेक्निक इज द ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट साइकिल इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लिमिट साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग द ट्रैजेक्टरी कोरस्पॉन्डिंग टू द वेरियस इनिशियल कंडीशंस। तो जैसे जैसे इनिशियल कंडीशन चेंज होता है तो जो फेज प्लेन है ना वो चेंज होता है। स्पेशली ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, टू एनालाइज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये हम लोग मेथड यूज करते हैं कॉल्ड फेज प्लेन एनालिसिस फॉर फेज प्लेन टेक्निक।